आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रो का मतलब है फोर और नाउन का मतलब है नाउन, कि वह शब्द जो संज्ञा के लिए यूज होता है। यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो कि नाउन के स्थान पर यूज होता है। नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन की पुनरावृत्ति को अवॉइड करने के लिए, और हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ए डॉक्टर एंड राम लिव्स इन जयपुर। अब देखो, राम क्या है? नाउन है। एंड राम लिव्स इन जयपुर, यहां पर देखो ये राम है, दोबारा नाउन यूज हो रहा है, इसलिए इसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने राम के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, ही कहा। नाउन और प्रोनाउन के बीच है, और मैं नंबर और जेंडर का एग्रीमेंट होता है। अब देख रहे हो आप, नंबर का मतलब है वचन और जेंडर का अर्थ होता है लिंग। यहाँ पर राम देखते हैं हम, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। जेंडर कैसा है यहाँ पर? मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, इसके लिए इसका प्रयोग क्या होगा? ही का होगा प्रोनाउन। सीता है, सिंगुलर नंबर है, लेकिन आप देखो फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, इसके लिए प्रोनाउन है, सी का प्रयोग होगा। बॉय आप देख रहे हो, बॉय जो कि सिंगुलर नंबर है और मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, इसके लिए ही का प्रयोग होगा। आप देख रहे हो वॉयज है, वॉयज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखो प्यूरल नंबर है, बहुवचन है, लेकिन यहां पर मैस्कुलाइन है, इसके लिए दे का प्रयोग होगा। पेन है, जैसा कि आपको पता है, नॉन लिविंग्स के लिए इट का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पर देखो गर्ल्स आता है, गर्ल्स आता है, तो भी हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। और जैसे लाइन्स आ जाए, लाइन्स, तो दे का प्रयोग होगा। अब देखो यूज इन ए सेंटेंस, प्रोनाउन का एक वाक्य में किस तरीके से यूज किया जा सकता है? देखो, सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ही लीड्स हिज सर्वेंट वॉयलेंटली, इसमें देखते हैं जो प्रोनाउन ही है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। राम बीट्स हिम, अब यहां पर देखते हैं या हिम है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इट इज ही, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का विभाजन, देखो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिगत सर्वनाम। इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रोनाउन्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं, और इसमें होता है कि पर्सन स्पीकिंग और राइटिंग, कि ये बोलने वाला या लिखने वाले को रखते हैं हम, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, दी पर्सन स्पोकन टू और रिटन टू, जिस व्यक्ति से बात की गई है और जिस की गई है उसको रखते हैं। दी पर्सन स्पोकन टू और रिटन टू, जिस व्यक्ति से बात की गई है। थर्ड पर्सन में हम रखते हैं ही, सी, इट और दे को रखते हैं। इसमें हम देखते हैं दी पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बोला गया है उसको रखते हैं।